हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना कुक। सभी दोस्तों को जय माता दी। नवरात्रि चल रही है और आज मैंने बनाई है व्रत की खिचड़ी और व्रत का सैलेड। बहुत ही टेस्टी, आज मैंने बहुत एंजॉय किया लंच को और मेरा मन किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही इजी है गाइस ये बनाना, तो आइए बनाते हैं। 100 ग्राम घिया एंड सीताफल ले लिया है मैंने, एक आलू ले लिया है मीडियम साइज, 3-4 मीडियम साइज टोमेटोज इनको छोटा छोटा कट कर लिया है, आधा इंची के बराबर अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, 3-4 ग्रीन। 200 ग्राम मैं सामक के चावल ले लूंगी, व्रत वाले चावल, इन्हें अच्छे ढंग से वॉश कर लूंगी, किसी बॉल में 2-3 बार अच्छे ढंग से धो लेंगे इन्हें। 200 ग्राम सामक की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने ये 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने ऑयल ले लिया है, देसी घी लिया है सॉरी, और उसमें मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है और जीरा को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद जो भी वेजेस हमने कट की हैं, टमाटोज, घिया, सीताफल और आलू, इन सबको हम एक साथ डाल देंगे, जिंजर और चिलीज को भी, और इन्हें थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे और थोड़ा सा टॉस करने के बाद हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। लगभग मैं इसमें 1.5 से 2 चम्मच के करीब सेंधा नमक डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1.25 चम्मच सेंधा नमक डाला है इसमें, बिकॉज इसमें वेजेस भी हैं तो वेजेस में नमक चाहिए, और इसको थोड़ा सा हम टॉस कर लेंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी रेड चिली, लगभग आधा टीस्पून। आप रेड चिली यूज़ नहीं करते हैं तो आप ब्लैक पेपर, काली मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, सबका अपना अपना सिस्टम होता है फास्ट में। इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। इसमें वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट होते ही इसमें जो सामक के चावल हमने धो करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। इन राइस को मैंने अच्छे ढंग से वॉश कर लिया है और उसके बाद इसका पानी भी निकाल लिया था, और अब मैं इसे इन राइस को अच्छे ढंग से मिक्स कर लूँगी। और लगभग इनको ज़्यादा सॉटे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लगभग 1 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे, क्योंकि ये राइस जो है ना बहुत जल्दी से जलने लगते हैं तो इनका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो 1 मिनट तक इसे हिलाते हुए सॉटे करना है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको छोड़ा तो हल्का सा नीचे ये जलना स्टार्ट होने लगे थे, बट इसको बहुत ध्यान से केयरफुली इसको देखना पड़ता है, और इसको सॉटे करते टाइम फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ पर नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। और लगभग 1 मिनट हो चुका है तो ये राइस हमारे लगभग सॉटे हो चुके हैं और वेजिटेबल्स इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की, तो मेरे 1 बॉल राइस थे तो मैं इसमें 3 बॉल पानी डाल दूंगी, लेकिन अगर आपको बहुत पतली चाहिए तो आप 4 बॉल तक पानी डाल सकते हैं, यानी कि इसमें 4 गुना तक पानी जा सकता है। मैंने 3 गुना पानी डाला है, आपके जितने राइस हैं उससे 3 गुना पानी डालिए अगर आपको खिचड़ी फॉर्म में चाहिए, और अगर आपको राइस फॉर्म में चाहिए तो डबल पानी डालिएगा, बट वो बहुत इसमें लम्स पड़ जाते हैं अगर हम इसे राइस फॉर्म में बनाते हैं। और ये देखिए, अभी हम इसमें कुकर को बंद कर देंगे और इसे बंद करने के बाद लगभग सिर्फ एक विसल दिलवाएंगे, और एक विसल आने के फौरन बाद, ये 1 विसल आ चुकी है, 1 विसल आने के फौरन बाद हम बिल्कुल फ्लेम को सिम्पर कर देंगे लगभग 1 मिनट के लिए, और उसके बाद हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद कुकर को ठंडा होने देंगे। अभी कुकर ठंडा हो चुका है, अपने आप कुकर को ठंडा होने देंगे, हम ऐसे नहीं खोलेंगे, और ये ठंडा हो चुका है कुकर, अब देखिए कितना अच्छा बना है, और इसे खोलना ही है, कुकर के ठंडा होते ही खोलना है और इसे हिलाना है, क्योंकि ये राइस लम्स बनने में टाइम नहीं लगाते हैं गाइस, तो इसे अच्छे ढंग से हिला लेंगे जिससे कि ये राइस में लम्स ना पड़े। इसे हिलाने के बाद फिर आप दोबारा से बंद करके रख सकते हैं। आप इसमें अब धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, सॉरी धनिया, हरा वाला धनिया डाल सकते हैं, जिससे कि कलर भी एनहेंस होगा और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ जाएगी।
है ना दोस्तों, खिचड़ी देखने में कितनी टेस्टी और खाने में बहुत ही यमी है गाइस, बिलीव मी। अब हम इसके साथ खाने के लिए सैलेड भी बना लेंगे। मैंने एक खीरे को पील कर लिया है, एक मूली, आधा चुकंदर और थोड़ा सा धनिया। वैसे तो वो खिचड़ी बहुत ही टेस्टी होती है, ऐसे भी खाई जाती है, बट सैलेड बना करके बहुत ही टेस्टी तरीके से खाएंगे ना, व्रत है तो क्या? अब मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, मूली, चुकंदर और खीरे को। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके साइज को सिलेक्ट करिएगा और कट कर दीजिएगा। इसके लिए मैं एक पैन ले लूंगी, उसमें आधा चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल डाल दूंगी, आधा चम्मच इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ, भुना जीरा भी डाल सकते हैं इसमें आप। और कड़ी पत्ता ले लिए हैं मैंने कुछ लीव्स, इसमें मैं कड़ी पत्ते की डालने लगी हूँ, इससे डाइजेशन बहुत अच्छी रहती है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इन्हें हम थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, क्रैकल होने के बाद इसमें सभी वेजेस जो हमने कट करके रखी हैं सैलेड के लिए वो डाल देंगे। अब जो ये जो सैलेड है ना, ये विंटर्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि विंटर्स में हम लोगों का ठंडा सैलेड खाने का मन नहीं होता है, तो इस तरह से टॉस की हुई जो सैलेड होती है वो बहुत इजीली खाई जाती है और हेल्पफुल होती है हमारी हेल्थ मेंटेन रखने में। इसे हम थोड़ा सा टॉस कर लेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे, इसे बहुत देर तक फ्लेम पर नहीं रखना है, फ्लेम ऑफ। व्रत के लिए हेल्दी सैलेड बिल्कुल तैयार है, हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और टेस्ट तो मेंटेन रहेगा ही। खाने के साथ अगर टेस्टी मज़ेदार सैलेड मिल जाए तो बात ही क्या। हो गई ना गाइस झटपट तैयार हमारी व्रत की रेसिपी, और डिलीशियस खिचड़ी के साथ सैलेड और ग्रीन चटनी, दही, बहुत ही डिलीशियस लगा आज का लंच मुझे, बहुत एंजॉय किया। तो अगर आपको भी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पर न्यू है। टेक केयर।